के साथ चल रहे तनाव के बीच देश में चीनी सामान के बहिष्कार की मांग हो रही है। कई संगठन, जाने माने बिजनेसमैन और बॉलीवुड सितारों से भी चीनी प्रोडक्ट्स के विज्ञापन को ना करने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में इस बहस के बीच आंकड़ों के जरिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि भारत और चीन के बीच कितना व्यापार होता है। इन देशों से होता है भारत का ज्यादा व्यापार। जून 2019 में सरकार ने ये जानकारी दी थी कि 2017 तक दुनिया भर में होने वाले टोटल बिजनेस में भारत 2.1% का एक्सपोर्ट और 2.6% का इंपोर्ट करता है। आपको बता दें कि भारत अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और हांगकांग के साथ सबसे ज्यादा कारोबार करता है। अधिकतर व्यापारिक घाटा सहता आया है भारत। जब कोई देश एक्सपोर्ट की कीमत से ज्यादा इंपोर्ट करने लगे तो उसे व्यापारिक घाटा कहा जाता है, और आजादी के बाद से ही अधिकतर समय भारत व्यापारिक घाटा उठाता आया है। आपको बता दें कि 2018-2019 में भारत को 12.86 लाख करोड़ रुपए का व्यापारिक घाटा उठाना पड़ा था, जिसमें भारत ने टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का 10.42% हिस्सा अमेरिका के साथ किया। 2018-2019 में चीन व्यापार में आई कमी। 2018 से पहले भारत के टोटल इंटरनेशनल बिजनेस में चीन की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रहती थी। 2014-2018 के बीच भारत ने चीन के साथ क्रमशः 9.55%, 11.01%, 10.83% और 11.66% बिजनेस किया, और फिर 2018-2019 में चीन के साथ बिजनेस में कुछ कमी आई। इस साल भारत के कुल इंपोर्ट का 13.96% हिस्सा चीन से आया, जो 2017-2018 के 16.4% से कम है। दूसरी तरफ भारत ने कुल एक्सपोर्ट का 5.8% हिस्सा चीन को भेजा, जो बीते साल के 4.4% से ज्यादा था। चीन रहा दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। अमेरिका के बाद भारत ने चीन के साथ 10.32% व्यापार किया, यानी भारत ने कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लगभग 21% अमेरिका और चीन के साथ किया था। आपको बता दें कि चीन के साथ भारत को सबसे ज्यादा व्यापारिक घाटा होता है। वहीं सबसे ज्यादा व्यापार किए जाने वाले देशों में केवल अमेरिका और यूएई है, जहां भारत को व्यापारिक घाटा नहीं उठाना पड़ता। इसकी वजह ये है, भारत इन देशों में कीमती धातु और मोती आदि एक्सपोर्ट करता है, जिनकी कीमत उन देशों में ज्यादा है। चीन के साथ ऐसे बढ़ता गया व्यापारिक घाटा। 2009-2010 में भारत ने चीन से 1.46 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया था, जो 2017-2018 तक आते आते 4.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं 2018-2019 में भारत ने पहली बार चीन में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट किया। इससे पहले 2013-2014 में भारत ने अब तक का सबसे ज्यादा 90,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था। चाय, कॉफी, मछली और जैविक रसायनों के एक्सपोर्ट में आई बढ़ोतरी इसके पीछे की बड़ी वजहों में से एक रही। भारत चीन को क्या क्या बेचता है? भारत चीन में जिन सामानों को एक्सपोर्ट करता है उनमें तांबा, दवाइयां, कपास, हीरे और अन्य रत्न, आईटी और इंजीनियरिंग सेवाएं, मांस उत्पाद, सूती धागा, कपड़ा, चीनी, चावल, कई तरह की सब्जियां और फल शामिल हैं। निर्यात के लिए कच्चा माल चीन से आयात करता है भारत। भारत चीन से जैविक रसायन, खाद, प्लास्टिक से बना सामान, लोहा और स्टील, लोहे और स्टील से बना सामान, वाहन और रासायनिक उत्पाद आदि भी एक्सपोर्ट करता है। ये बात भी ध्यान देने वाली है कि भारत जो सामान दूसरे देशों को बेचता है उनमें से कुछ का कच्चा माल चीन से एक्सपोर्ट करता है। दवाइयाँ इसका एक बड़ा उदाहरण है। भारत एक्सपोर्ट करने वाली कई दवाओं का कच्चा माल चीन से लेता है। चीन से इन सामानों का आयात करता है भारत।
चीन के साथ हो रहा व्यापारिक घाटा भारत के कुल व्यापारिक घाटे पर भी बड़ा असर डालता है। चीन से भारत में आने वाले सामान का बड़ा हिस्सा बिजली की मशीनों इत्यादि का होता है। 2018-2019 में भारत ने 144.4 हजार करोड़ का ऐसा सामान खरीदा था। साथ ही भारत न्यूक्लियर रिएक्टर मशीनें और दूसरे उपकरण भी भारी मात्रा में चीन से लेता है। 2018-2019 में भारत ने चीन से 93.6 हजार करोड़ रुपए का ऐसा सामान खरीदा था। बीते साल आयात में आई मामूली गिरावट। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018-2019 में भारत ने चीन से 96 तरह का माल इम्पोर्ट किया। हालांकि उस साल चीन से होने वाला इम्पोर्ट 2017-2018 के 16.4% से गिरकर 93.69% रह गया था और इस दौरान सिंगापुर और अमेरिका से होने वाला इम्पोर्ट बढ़ गया। कुछ सामानों को लेकर चीन पर है ज्यादा निर्भरता। चीन से आने वाले सामानों में काफी हिस्सा ऐसा होता है जो सीधा आम लोगों के उपयोग का नहीं होता। इसके बजाय इसे कई उत्पादन और कृषि गतिविधियों में यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत ने बिजली के सामान को असेंबल करने में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर कलपुर्जे चीन से आते हैं। बहिष्कार की मांग के बीच ऐसे सामान की आपूर्ति में किसी भी तरह की रोक भारत के उत्पादन और कृषि क्षेत्र पर बुरा असर डाल सकती है। तो दोस्तों, इसी तरह की बाकी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएगा जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।